नमस्कार। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हलकान है। कांग्रेस इन दिनों राजस्थान और गुजरात के अपने विधायकों को सुरक्षित करने के काम में जुटी हुई है। उसने इन दोनों राज्यों के विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया हुआ है और उसका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत उसके विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है, उसकी सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही है, और ऐसा ही आरोप कांग्रेस लंबे समय से लगाती रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस साल मार्च में जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वहां के विधायकों की बगावत के कारण ऐसा ही पिछले साल कर्नाटक में भी हुआ था, जहां कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों की बगावत के कारण वहां की कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी और तब भी कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस को इसका जिम्मेदार बताया था। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और अपील मेरी आपसे यह है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के आरोपों की। कांग्रेस जो जिस तरह के आरोप लगातार ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर लगा रही है, कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करना बीजेपी का चरित्र बन चुका है और वो उसके विधायकों को प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है। जैसा आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ताजा बयान सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर किया जा रहा है और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में राजस्थान को मैं अपने विधायकों को अशोक गहलोत को एक रिजॉर्ट में रुकवाना पड़ा है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस खुद व्यवस्थित नहीं है, उसके विधायक उससे खुश नहीं है और इसलिए वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कोरोना काल के संकट के दौरान भी इस तरह की जो सियासत है और ऐसी जो खबरें आ रही हैं वो निश्चित रूप से दुखद है, ऐसा कहा जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो सियासी हड़कंप मचा था, उससे पहले भी कांग्रेस इस बात को कहती रही थी कि उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। और अभी कुछ दिनों पहले जब शिवराज सिंह चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिस ऑडियो में वो इस बात को कथित रूप से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये जो फैसला था मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने का, ये आलाकमान के आदेश पर लिया गया। ये आलाकमान ही था जिसने यहां पर सरकार को गिराने का फैसला किया, ये उस कथित ऑडियो में शिवराज सिंह चौहान की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। और इसके बाद अभी गुजरात में आपने देखा, राज्यसभा चुनाव से पहले कई विधायकों ने लगातार पार्टी का दामन छोड़ दिया। और 2017 में विधानसभा चुनाव जब से हुए, वहां कांग्रेस ने अच्छी मेहनत की थी, ठीक प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद से ही विधायकों का पार्टी को छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस इस बात को कह रही है कि उत्तराखंड में उसके विधायकों को तोड़ा गया, मणिपुर में उसके विधायकों को तोड़ा गया, गोवा में उसके 10 से ज्यादा विधायकों को तोड़ा गया, महाराष्ट्र में उसके विधायकों को ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ा गया, और उसने मणिपुर, अरुणाचल, इन तमाम जगहों का जिक्र किया है। वो करती रही है और कहती है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ने का काम करती है। लेकिन इसमें सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर विधायक पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के आलाकमान को विधायकों से, राज्य की कांग्रेस की जो इकाइयां हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भरोसे में लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुकी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, पार्टी नेताओं के मनोबल पर असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में आलाकमान की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और आलाकमान को सीधे कांग्रेस के नेताओं से, जो जिला स्तर के, राज्य स्तर के नेता हैं, उनसे लगातार संवाद कायम करना चाहिए, रास्ता कायम करना चाहिए। और इस बारे में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की आवाज उठ भी चुकी है, क्योंकि राज्यों में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना साफ है कि सिर्फ ऑपरेशन लोटस को आप जिम्मेदार बताएं, यह आपका एक आरोप हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को राज्यों से भी बात के लगातार संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर आप पिछले 6 साल का समय देखें,
जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई है तब से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो लंबे समय उसके साथ राजनीति करते रहे, बरसों बरस राजनीति करते रहे, वो तक उसका दामन छोड़कर जा चुके हैं। इनमें केंद्र सरकार में विदेश मंत्री जैसे ओहदे पर रहे, इतने बड़े पोर्टफोलियो पर रह चुके, संभाल चुके एस एम कृष्णा से लेकर हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बिरेंदर सिंह, हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है अशोक तंवर से लेकर रीता बहुगुणा जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदम्बिका पाल, इधर आप असम में चले जाइए हेमंत विश्व शर्मा, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, पेमा खांडू, महाराष्ट्र में कई वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल और तमाम बड़े नेता सांसदों विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ा है। गोवा में पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ा, मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि 22 से ज्यादा विधायक पार्टी का दामन छोड़कर हाल ही में चले गए। और ये जो हालात हैं इसमें केवल ऑपरेशन लोटस को जिम्मेदार बता देना और इससे कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। कांग्रेस के आलाकमान को राज्य इकाइयों से, जैसा मैं कह रहा हूं कि उनसे संपर्क करना चाहिए और ये जो समस्या है आखिर दिक्कत कहां आ रही है उस परेशानी को हल करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। क्योंकि जो राज्यों का जो नेतृत्व है अगर उसे केंद्र से आलाकमान से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा, लगातार केंद्रीय आलाकमान राज्य स्तर पर बातचीत नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इस तरह के जो हालात हैं जैसे हमने गुजरात में कांग्रेस के अंदर देखे या राजस्थान में कांग्रेस कह रही है, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात देखे, कर्नाटक में हमने देखा, गोवा, अरुणाचल, उत्तराखंड में इस तरह के हालात हुए, तो इसमें इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और तब कांग्रेस बार बार ऑपरेशन लोटस को भी जिम्मेदार ठहराएगी। लेकिन उसे खुद भी इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वरिष्ठ नेता और तमाम पार्टी के पदाधिकारी विधायक पार्टी का दामन क्यों छोड़ रहे हैं। ये बेहद गंभीर सवाल है और कांग्रेस आलाकमान को इस पर चिंतन भी करना चाहिए। satyahindi.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।